तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से शोकेस और ब्रांड का जो स्टेप है ये स्टेप को आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो स्टेप है ये हमको हमारे प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर आपको सेटअप करना पड़ता है अपने प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट को। और सेटअप करने के लिए यहाँ पर आपको 5 स्टेप मिलता है, जिसको अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपका जो प्रोफेशनल अकाउंट है ये पूरी तरीके से सेटअप हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को जो है शोकेस और ब्रांड का स्टेप को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था और बहुत सारे लोग जो है ये स्टेप को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनका जो प्रोफेशनल अकाउंट है ये पूरी तरीके से सेटअप नहीं हो रहा था। तो अगर आपका भी शोकेस और ब्रांड का जो स्टेप है ये स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सबके लिए। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद देन यहाँ पर आपको नीचे राइट साइड में आपको यहाँ पर प्रोफाइल का लोगो शो करेगा, तो इस प्रोफाइल वाले लोगो के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद देन यहाँ पर आपको 05 स्टेप कंप्लीट लिखा गया होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट का एक नेपेज शो करेगा, और यहाँ पर आपको 5 स्टेप मिलता है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो आपको जो है शोकेस और ब्रांड का स्टेप को कंप्लीट करने के लिए प्रॉब्लम आ रहा था, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल से लिखा गया हुआ है शेयर योर मिशन एंड ग्रेट आइडिया बाय क्रिएटिंग ए रील। मतलब जो है आपको एक रील को क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर आप अपने मिशन और आइडियाज को जो है बताएंगे, तो आपको जो है रील्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे जो आप ये स्टेप को कंप्लीट कर पाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे देन यहाँ पर आपका जो कैमरा है ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जो रील्स बनाना पड़ेगा। तो आपको जो है इसको कंप्लीट करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा। तो सिंपल से यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक प्लस का आइकॉन शो करेगा, यहाँ पर आपको मार्क भी करके दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है गैलरी से एक फोटो को जो ले लेना है, तो गैलरी से सिंपल से आपको एक फोटो को ले लेना है। ले लेने के बाद देन यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रील्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना है कि आपको सबसे पहले इसको ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद यहाँ पर ये जो आधा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको सिंपल से एक एक करके यहाँ पर आपको 3 फोटो को जो है चूज करना है। चूज जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप चूज करना है। चूज करने के बाद फिर से आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रील्स वाला सेक्शन है यहाँ पर और एक रील मांग रहा है, जिससे जो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आप इसके ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको फिर से एक फोटो को चूज कर देना है रैंडमली। तो यहाँ पर आपको फोटो को 3 फोटो को जो है मैक्सिमम चूज करना है। चूज जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको नेक्स्ट का ऑप्शन शो करेगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू रील करके एक नया पेज शो करेगा। तो यहाँ पर आपको कैप्शन लिख देना है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेव डिफॉल्ट का ऑप्शन होता है और शेयर का ऑप्शन होता है, तो आप इसको जो है शेयर कर देना है। तो यहाँ पर आप अगर टैग करना चाहते हैं तो टैग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको टैग नहीं करना तो सिंपल से आपको शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। शेयर के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद देन यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना रील वाले सेक्शन में चला जाना है। रील्स वाले सेक्शन में जैसे ही चला जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं शेयरिंग टू रील्स लिखा गया हुआ है, तो ये रील्स को आपको शेयर होने देना है। शेयर हो जाने के बाद आपको फिर से अपना प्रोफाइल वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं देन यहाँ पर आपको जो 1 of 5 स्टेप कंप्लीट लिखा गया हुआ है, मतलब जो वो जो स्टेप था हमारा कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पर देख सकते हैं शोकेस और ब्रांड का जो स्टेप रहे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको करना ही है कि आपको जो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा गया हुआ है। सबसे पहले लिखा गया हुआ है शेयर योर मिशन एंड ग्रेट आइडियाज बाय क्रिएटिंग ए रील। तो आपको एक रील को क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर आप अपने आइडिया और मिशन को जो है देंगे। तो आपको जो सिंपल से ये जो स्टेप है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर रील्स का एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है रिकॉर्डिंग करने के लिए बोलेगा, तो आप अगर रिकॉर्डिंग करना नहीं चाहते हैं तो फिर से सिंपल से आपको यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन मिलता है। गैलरी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 फोटो को चूज करना है जिससे आप रील्स को बना सकते हैं। 3 फोटो को चूज करने के बाद आपको उस रील्स को जो है शेयर करना है। शेयर जैसे ही कर देंगे तो आपका जो ये स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने शोकेस और ब्रांड का जो स्टेप है ये स्टेप को कंप्लीट कर पाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुझे मेहनत लगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बता दूंगा। वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने नए वीडियो पर। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।